नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको प्रसारिता पादोत्तानासना को करने का सबसे आसान तरीका और इससे होने वाले बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, जिन लोगों को अक्सर सिर दर्द की शिकायत रहती है, शरीर में हर वक्त थकान या तनाव से ग्रसित रहते हैं, उन लोगों ने इस प्रसारिता पादोत्तानासना को नियमित प्रैक्टिस करना चाहिए। इस प्रसारिता पादोत्तानासना को करने से हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है और यह अभ्यास हमारे पैरों की मांसपेशियों की मजबूती के साथ साथ हमारी ऑलराउंड फिटनेस के लिए भी एक बेस्ट अभ्यास होता है। इस अभ्यास को करने से हमारे पेट के अंग उत्तेजित होते हैं और यह अभ्यास हमारे बाइसेप्स, हमारे ट्राइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स को मजबूती प्रदान करता है। आइए देखते हैं कि प्रसारिता पादोत्तानासना को सबसे आसान तरीके से कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, यह प्रसारिता पादोत्तानासना को करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे पाद हस्तासना। जब भी आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें तो सबसे पहले आप पाद हस्तासना को प्रैक्टिस करें। आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं, अपने पैरों में ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस रख लेते हैं जिससे कि हमारी बॉडी का बैलेंस बना रहे और अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाना है। दोनों बाजू आपके कान के पास ऐसे सटे हुए हों और फिर वहां छोड़ते हुए आपने धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सीधे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पाद हस्तासना की पोजिशन पर आते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से इंटरलॉक करते हैं और 10 सेकंड 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इसके बाद सीधे। दोस्तों, प्रसारिता पादोत्तानासना एक स्टैंडिंग योगाभ्यास है और इस अभ्यास को करने के लिए हमारे शरीर में पर्याप्त फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ का होना बहुत जरूरी होता है। जिन लोगों को हर वक्त सिर दर्द की शिकायत रहती है, मानसिक तनाव और थकान जैसे लक्षण उभर आते हैं, उन लोगों ने इस प्रसारिता पादोत्तानासना को नियमित प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों में ऐसे 2.5 से 3 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। आपके पैर ऐसे आगे की तरफ पैरेलल रहने चाहिए। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं, ऐसे जमीन पर लगा लेते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे आगे की तरफ ऐसे सीधे रहे एक आरामदायक योगी के लिए 30 सेकंड 2 मिनट फिर 5 मिनट तक इसे आप ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है और यह अभ्यास लो ब्लड प्रेशर की समस्या को भी दूर करने वाला एक बेस्ट अभ्यास है। नॉर्मल ब्रीदिंग, अपने दोनों हाथों को ऐसे सिर के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। एक बार इस अभ्यास को हम पीछे से करके दिखाएंगे। सबसे पहले आपने ऐसे समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं, अपने पैरों में ऐसे 2.5 से 3 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं या फिर आप जितना स्पेस रख सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार अपना स्पेस रख लेते हैं। आपके दोनों पैर ऐसे आगे की तरफ पैरेलल रहने चाहिए और फिर अपने दोनों हाथों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे लगा लेते हैं और अपने सिर को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। अपने दोनों हाथों को भी ऐसे अपने पैरों के बीच में से ऐसे निकाल लेते हैं और कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही प्रसारिता पादोत्तानासना को करने के बाद आप पश्चिमोत्तानासना को प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही आपने स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे लगाते हुए अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर ऐसे लगा लेते हैं।
और फिर